उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही आर्ची भर्ती परीक्षा सोमवार को राज्य भर में आयोजित हुई। इसी के तहत गोरखपुर में सिपाही आर्ची भर्ती परीक्षा एमपी इंटर कॉलेज और मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज सहित कई अन्य केंद्रों पर आयोजित की गई। दो दिवसीय सिपाही भर्ती परीक्षा सोमवार को दो पालियों में आयोजित की गई। प्रथम पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चली। इस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। परीक्षा के दौरान कुछ पुलिस वालों ने कुछ मुन्ना भाई को भी हिरासत में लिया है, जो परीक्षा की व्यवस्था को खराब करने का काम कर रहे थे। वहीं परीक्षा के दौरान एडीजी दावा शेरपा और एसएसपी शलभ माथुर ने एमपी इंटर कॉलेज सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस भर्ती परीक्षा पहले दिन सकुशल संपन्न कराया गया है। आपको बताते चले कि 19 जून को भी यह परीक्षा आयोजित होनी है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर और एडीजी दावा शेरपा ने कहा, अलाउ नहीं है भाई। अरे हमारे ये जाएंगे बनाएंगे क्या? क्या आ गया पीछे? क्या नाम है आपका? मेरा सर नाम रूपक कुमार यादव है। यहाँ किस चीज़ की परीक्षा दी? सर पुलिस की। कैसी परीक्षा? अच्छी हुई सर, पेपर जो पढ़े थे वो सब आया था? हाँ सर आया था, वही आया था। सही सर, मैथ के क्वेश्चन थे, हिंदी के, रीजनिंग के और जीके जीएस थे। सारे पेपर आसान? हाँ सर अच्छे हुए थे। कितनी उम्मीद है आपको निकलने? हाँ सर अच्छा क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद है। हाँ सर ज्ञानचंद गौतम सर। किस चीज़ की परीक्षा देने आए? उत्तर प्रदेश पुलिस। कैसा परीक्षा हुआ? बहुत अच्छा हुआ सर, मैंने 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जिसमें लगभग के 91 क्वेश्चन सही होंगे। किस तरह के क्वेश्चन? क्या सर? किस तरह के क्वेश्चन? क्वेश्चन सर बहुत नॉर्मल थे, जो थोड़ा सा प्रिपरेशन किया होगा उसका सिलेक्शन पक्का है। जीके सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन? जीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, और मैथ रीजनिंग सबसे ज़्यादा आई थी क्वेश्चन। और सबसे कम क्वेश्चन आया था मान लीजिए कि जीके जीएस से ही कम आया था, लेकिन रीजनिंग मैथ और हिंदी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। हिंदी रीजनिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे मैथ। तैयारी के रूप में सर? हाँ बहुत, बिल्कुल टॉप क्वेश्चन था, एकदम मजे से हुआ। अच्छे क्वेश्चन सर, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, यूपीपी से लो था। क्या नाम है? रीमा गुप्ता। किस चीज़ की परीक्षा देने आई थी आज? यूपीपी का। कैसा परीक्षा हुआ? अच्छा हुआ। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं? किस तरह का? जिस तरह जी के था, मैथ, हिंदी, सामान्य सब। तुम कितने क्वेश्चन पूछे गए? 150। आपने कितना किया? 120। सारे पढ़े हुए क्वेश्चन आए हुए थे या फिर बाहर से? बाहर से भी थे, पढ़े हुए भी थे। सेकेंड शिफ्ट लग का एग्ज़ाम है 3 से 5 का, पहली शिफ्ट जो 10 से 12 की वो हो गई है 18 तारीख की, 19 तारीख को सेम रिपीटेशन होगा, 10 से 12 और 3 से 5। कल से लेके अभी तक उनका प्रयास है किया जा रहा है। सेकेंड की व्यवस्था है, तो
गोरखपुर जोन में 77 केंद्र है 77, और उसमें जो अभ्यर्थी हैं एक पाली में वो 47,000 से कुछ अधिक है, 47,000 के आसपास हैं। ये प्रथम पाली के आज की जो परीक्षा है वो सकुशल संपन्न हो गया है। द्वितीय पाली की जो परीक्षा है 3 बजे से शुरू होंगे। इसमें ये भी स्पष्ट कर दूं कि ये पाली का मतलब वही कैंडिडेट नहीं है, ये प्रथम पाली की जो शुरू आज संपन्न हो गया है उनका परीक्षा पूरा है, पूर्ण है, वो घर जाएंगे। अब नए लोग जो है अब फिर द्वितीय पाली में आएंगे। कल भी 2 पालियों में ये परीक्षाएं इसी तरह से संपन्न होंगे। गोरखपुर जिले में सबसे ज़्यादा केंद्र है, 38 केंद्र है करीब, तो यहाँ भी परीक्षाएं सकुशल संपन्न हुई है। ये परीक्षा TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के माध्यम से कराया जा रहा है, क्योंकि तकनीकी जो भी नो हाउ और व्यवस्थापन है वो TCS कर रहे हैं, और प्रत्येक केंद्र में मजिस्ट्रेट पुलिस के अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। सब जगह CCTV से कवर कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई गुंजाइश ना बचे, और इस प्रकार से आगे भी सकुशल संपन्न होगा ऐसा मेरा विश्वास है।